और इनका सवाल है बजाज फिनसर्व पर। 105 शेयर्स इन्होंने 1675 के भाव पर लिया हुआ है, काफी ऊपरी लेवल पर एंट्री लग रही है। कुणाल, आप सजेस्ट करिए। अक्सर हम देखते हैं कि जब 1600-1650 के आसपास ये स्टॉक आता है, एक हर्डल की तरह काम कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है ये शेयर पिछले कुछ समय का देखे तो, और उन्हीं लेवल्स पर इन्होंने एंट्री भी ले ली है। कब तक इनको यहाँ पर मुनाफा दिखेगा, आगे के लिए टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप बजाज फिनसर्व के लिए? सो पूजा, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर ने सितंबर 2022 से 21 से लेके अब तक एक 1800 से 1900 तक के लेवल का एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया है, और ये काउंटर जब भी वहां पहुंचता है वहीं से गिरावट आती है। और अभी देखिए 1400 पे तो चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ कोई नजदीक का भी सपोर्ट इस काउंटर में दिख नहीं रहा है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद इसमें बने रह सकते हैं, बट ट्रेंड तो डेफिनेटली नेगेटिव है। आई फील इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोअर लेवल्स पे मिल सकती है, जो करीब 1300 या फिर उसके नीचे 1150 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर हिट लेने की कैपेसिटी है तो यहाँ पे एक बार डेफिनेटली एग्जिट करिए। अगर ये काउंटर यहाँ से रिकवरी भी बताएगा तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो के रिकवर बताएगा, इमीडिएट तो रिकवरी चार्ट पे नहीं दिख रही है। सो टेक एन एग्जिट और रिविजिट करिए 1300 के लेवल पे। अगर वहीं पे रुक जाता है तो आपको कोई एक्सपर्ट वहां पे शायद बाइंग करवाने की सजेशन दे सकता है, या फिर 1150 पे रिविजिट करेंगे।